के लिए है ना, अगर आपके पास कुछ और ज्यादा है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्कैन करना होगा। स्कैनर से, सबके पास स्कैनर है, कौन सा स्कैनर है? आई स्कैनर है ना। तो पहले हम इसको अच्छे से स्कैन करेंगे और देखेंगे कि इसमें दिक्कत कुछ दिख रही है क्या। अच्छा, इसको कुछ काम हुआ भी है ना, जिसने भी काम किया है इस पे। ठीक है, इसमें कुछ जला हुआ दिख रहा है ना? ठीक है, जैसे पहला वाला कनेक्टर कुछ जला हुआ है ना, ये जला हुआ दिख रहा है ना? हाँ। तो ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो दिखे पहले उसको ठीक करेंगे, बताया था नहीं बताया था? मोबाइल आपकी सही हो या ना, तो पहले हम उसको ठीक करेंगे जो हमें गड़बड़ दिख रहा है। तो गड़बड़ दिख रहा है, अभी मल्टीमीटर आपकी तरफ है, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ और आप लोग बताएंगे। तो पहले जो जला है उसको देखेंगे, कुछ आ रहा है? कोई वैल्यू नहीं आ रही? आ रही, ठीक है, एक बार फिर से कनेक्ट कर देते हैं। अभी कोई वैल्यू नहीं है, आ रही है ना? ठीक है, तो ठीक है, मतलब जला हुआ तो दिख रहा है लेकिन वैल्यू आ रही है ना। चलिए उसको छोड़ते हैं। अभी हमें क्या है कि अभी कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हम इसको देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, जब टच की प्रॉब्लम है, टच की लाइन चेक करेंगे और उसके लिए हम बोर्नियो का यूज करेंगे, है ना। अब बोर्नियो में क्या है कि हमारे जो है टच के लिए स्मैटिक नहीं है ना, हार्डवेयर टूल है, और उस हार्डवेयर टूल को हमने ड्रॉ किया है बोर्ड के ऊपर। यानी कि इधर से आप देख रहे हैं चार नंबर आपको रिसेट दिख रहा है, RST है ना, और उसके बाद जो है पांच नंबर आपको क्या दिख रहा है, INT यानी इंटरप्ट, ठीक है। उसके बाद आपको देख रहे HDA है ना, सीरियल डाटा की लाइन दिख रही है। अच्छा, अब उसके बाद आपको दिख रहा है इधर से तीसरा नंबर और चौथा नंबर, जिस पे हमारी एक आ रही है 3.0 वोल्ट और एक आ रही है हमारी कौन सी 1.8 वोल्ट। तो हमें क्या करना है कि इन वोल्टेज को पहले हमें चेक करना है, ठीक, कुछ मिसिंग तो नहीं है। लेकिन उससे पहले हम लेंगे GR वैल्यू, क्या लेंगे? GR वैल्यू। तो GR वैल्यू लेने के लिए इधर से हम आते हैं 4, 5, 6 और 7 नंबर। एक दो तीन चार नंबर हो गया, कितनी वैल्यू है? 480। अब चार नंबर पे पांच नंबर पे कितनी है? ओयल है क्या? अभी ओयल है जी। कौन सी ओयल इसमें? पांच नंबर, पांच नंबर है। पांच नंबर कौन सी ओयल है? इंटरप्ट की लाइन है ना, इंटरप्ट के बारे में बताया था हम लोगों को, ये इंटरप्ट की लाइन ओयल है। चलिए अब पांच के बारे में छह देखते हैं, क्या है? 462। अब छह के बाद इसमें कुछ है क्या? सात नंबर, सात नंबर क्या है? 462। यानी यहां तक आपकी वैल्यू ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं उधर से पहला, दूसरा और तीसरा। तो एक दो और ये हो गया तीन, कितना है? 661। तीन के बाद क्या है? चार है कि पांच है? नहीं नहीं, तीन के बाद बोर्ड में क्या है, कनेक्टर में क्या है? पांच है ना, पांच नंबर चेक करना है। तीन और पांच, ये तीन चेक कर लिया, पांच कितना है? 450। ठीक है, यानी कि GR वैल्यू के हिसाब से हमारी एक लाइन क्या है वो गड़बड़ है। कौन सी गड़बड़ है यहाँ? इंटरप्ट की लाइन गड़बड़ है। तो अब इंटरप्ट की लाइन हमारे पास कहाँ से आ रही है उसको हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो जरा उसको देखिएगा बिटमैप में जाकर के चेक करेंगे लाइन कहाँ से आएगी। ठीक है, वो बोर्ड के पीछे से आई है, CPU के ठीक नीचे है। ठीक है, देखिए इधर से दूसरा रजिस्टर हमारा,
ये वाला, ठीक है। तो ये क्या इधर हमारा वेल बार आएगा 400, दूसरी साइड 1295। इसका मतलब ये हो कि ये हमारा आउटपुट है, जहां वैल्यू ज्यादा रही क्या है, इसका मतलब ये हो कि 1 के का रजिस्टर लगा, कितने के का, इधर कितना है 400 और इधर कितना है 1295। मतलब ये कि 1 के का रजिस्टर ये लगा हुआ है, इसीलिए आउटपुट में क्या मिल रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये हमारा आउटपुट है, क्या पता चला, ये हमारा आउटपुट है, जिधर वैल्यू ज्यादा मिल रही है वो हमारा आउटपुट है, जिधर वैल्यू कम मिल रही है वो हमारा इनपुट है। तो आउटपुट तो हमें आ रहा है, और यहां हमें 5 नंबर पर रोयल है, क्या रोयल है, 462 आ रहा है, 6 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर रोयल है ना, वो 5वां ही नंबर है। इंटरप्ट की लाइन हमारी कौन सी है, हमारी इंटरप्ट की लाइन कौन सी है, तो ठीक है 1, 2, 3, 4 और ये 5 नंबर ओएल हमारी है ना, यहाँ ओएल दिख रहा है लेकिन यहाँ से आउटपुट हमारा मिल रहा है, ठीक आउटपुट मिल रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक जम्पर उठा के वहां जोड़ देंगे और फिर देखेंगे काम कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा है। तो सोल्डिंग का जो टेम्परेचर है बोर्ड पर चूके में सोल्ड करना है तो मिनिमम 400 रखेंगे, ठीक है, याद है बताया था। देखिए होता क्या ना कि जो रजिस्टर पर जो है ये हमारा पॉइंट होता है, यहाँ होता है क्लिप, क्या होता है बताया था आप लोग को, अगर वहां हमें जोर पड़ा यानी हमारा अगर जम्पर वायर खींच गया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो क्लिप होती है रजिस्टर की वो आ जाएगी बाहर, और जब वो बाहर आ जाएगी तो फिर हमें रजिस्टर दूसरा लगाना पड़ेगा ना, तो हम एहतियात के लिए क्या करेंगे वहाँ यूवी मास्क लगाएंगे। और 1 मिनट के लिए इसको लगा के रखें, तो यानी अब हमारा खींचने का चांस जो है नहीं है ना। ठीक है।
वैल्यू चेक करना, ठीक है क्लियर है, वैल्यू कितनी है 1.1, ठीक है अभी कितनी है 1.297 है ना, इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू जितनी वहां शो कर रही थी उतनी यहां शो कर रही है। अब हम जरा स्कैन करके देखें टेस्ट काम करने, उसके बाद इस जंपर को हम क्लियर करेंगे ना, ठीक है भाई। देखिए इधर दिखाइए, इसका पासवर्ड क्या है, एन बनाइए नीचे से, नीचे से एन जी। देखिए कैसे काम कर रहा है,